पेक्षा जास्त मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात या विशेष सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। जे जे या उपस्थित राहणाऱ्या सोहळ्याला असणाऱ्यांची जी संख्या आहे त्यामध्ये उद्योजक आहेत, विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणारे मान्यवर यांना विशेष आमंत्रित करण्यात आलेलं होतं। त्यानंतर भारत की और आगमन हो रहा है राष्ट्रपती भवन में देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। राष्ट्रपति भवना मध्ये यावेला नवनिर्वाचित असलेले मावेशिता के महत्व पर जोर देती है और यहां पर सबकी नजरें इस ओर टिकी हैं। इस ऐतिहासिक समारोह में अब विशिष्ट अतिथियों का आगमन लगातार जारी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और सबसे बड़े लोकतंत्र के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए पधार रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बतौर सांसद तीसरी बार चुनकर आए हैं देशवासियों का अटूट भरोसा। शपथ नरेंद्र मोदी घेताना दिसतील आणि पंतप्रधान पदी विराजमान झाल्यानंतर आणि त्यांनी सूत्र हाती घेतल्यानंतर मात्र इतर शपथविधी सोहळ्याला देखील सुरुवात होईल। तब्बल 69 जणांचा या शपथविधी सोहळ्यामध्ये समावेश आहे। तर विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हा सोहळा आपण पाहू शकणार आहात, तेही एबीपी माझावर ब्रेक फ्री। नरेंद्र मोदी यांचं आगमन झाल्यानंतर मात्र टाळ्यांचा कडकडाट त्या ठिकाणी आपल्याला ऐकायला मिळतोय। और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन नेतृत्व से ये दिखाया है कि ये देश कैसे प्रगति के पथ पर उड़ान करते हुए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार। द मैन ऑफ द मोमेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी हु विल मेक हिस्ट्री इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम नाउ as he returns greetings of his colleagues of the cabinet and people who have come here in their thousands to attend this special moment. और अब हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। कुछ ही देर में वे यहाँ आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ विधि 16 पार पड़ता है। महाराष्ट्रातल्या आणि इतर ठिकाणी पाहत असलेल्या आमच्या सर्व प्रेक्षकांसाठी शपथविधी सोहळ्याला अनेक मान्यवरांची उपस्थिती 8000 पेक्षा जास्त मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये तरह अंकित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में स्वीकारत उपराष्ट्रपती सपत्नीक या सोहळ्याला उपस्थित। आज का समारोह उस मकाम पर जाएगा जहां प्रधानमंत्री और उनके साथ उनका शुभागमन होगा। राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल मनजीत सिंह मंडराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ब्रेक फ्री माननीय राष्ट्रपति महोदया आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।